नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, लॉकडाउन होने वाला है क्योंकि इतनी ज़्यादा केस लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा एक दिन में सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि केंद्र सरकार बहुत ही जल्द लॉकडाउन करे और राज्य सरकार भी हो सकता है बहुत जल्द से लॉकडाउन होने की संभावना है, लेकिन इस बीच लोग अपना घर का स्टॉक बढ़ा रहे हैं, चाहे खाने की सामान हो, चाहे कोई भी पीने का सामान हो। जितने सारे लोग हैं वो लोग इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं जिस वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मैं सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक ना बढ़ाएं अपने घर का, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा स्टॉकिंग करोगे तो फिर जो गरीब लोग हैं, जो जिनको उतना ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं हैं, उन लोग के लिए प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, दुकान वाले काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ा देंगे। तो इसीलिए आप लोग कृपया करके स्टॉकिंग ना करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ लोग ऐसे हैं। मैं अभी से लाइन स्टार्ट हो गया, आपको जान के हैरानी होगी कि वाइन शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़, यहाँ तक कि ऐसा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा भीड़ कभी भी किसी मंदिर में भी हुआ होगा। इतने ज़्यादा लोग जो है उस वाइन शॉप में जा कर के अभी से ही अपने घर का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन होगा ही होगा, लेकिन इस चीज़ को अनुमान मान करके लोग बहुत ज़्यादा इस खरीदारी कर रहे हैं, जिस वजह से जो है आने वाले समय में प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो उन सभी से यही निवेदन है कि कृपया करके इतना ज़्यादा स्टॉकिंग ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग पहली बार आए चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन की घंटी बजा ले ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।